एक्सेल पर कैसे काम किया जाता है या आप कैसे काम कर सकते हैं, आप या कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, या आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, वर्ड सीखना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपको नई नॉलेज है इसके बारे में, तो आप मेरी इस वीडियो के साथ में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीच बीच में सारे ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा इसमें, और आप यहीं पर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बिना कोचिंग जाए और बिना कंप्यूटर के आप घर पर ही सीख पाएंगे। या आप पुराने यूजर हैं, आप काम करते हैं कंप्यूटर पर लेकिन आपको बाहर जाना पड़ता है, लैपटॉप आपको कैरी करने में दिक्कत होती है, तो आप लैपटॉप को घर पर छोड़िए, ऑफिस में छोड़िए, आप सिर्फ मोबाइल को लेकर चलिए, आप समझ पाएंगे कि आप कैसे कितनी आसानी से अपने सारे काम इस पर फ़ोन से ही कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मुकेश टेक चैनल। दोस्तों, मेरी इस वीडियो के साथ में पूरा बने रहना, वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और ये आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि आज तक हम कंप्यूटर में यूज करते आए हैं, मैं आज आपको मोबाइल में बहुत ही आसान तरीके से चलाना बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद में आप समझ पाएंगे कि कितनी आसानी से आप मोबाइल में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी यूजफुल हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, हर वक्त लैपटॉप कंप्यूटर को साथ में नहीं रख सकते, तो आप मोबाइल के को साथ में रखकर आप अपना काम चला सकते हैं, कोई भी एंट्री वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर, ये मैंने ऑलरेडी डाल रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पर टाइप करना है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कुछ काम आपको दिखाने के लिए कर रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये आप देखेंगे, ये मैंने आपके लिए कुछ टाइप करके रखा हुआ है दिखाने के लिए और समझाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ लेके चलते हैं स्टार्टिंग से। जिन भाई बहनों को एक्सेल के बारे में ज़्यादा नहीं नॉलेज है और वो चाहते हैं कि एक्सेल सीखना है, कंप्यूटर भी नहीं है तो एक्सेल कैसे सीखेंगे, तो मैं मोबाइल पर बता रहा हूँ, आप कंप्यूटर पर भी इसी तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो बेसिक चीज़ लेके चलते हैं थोड़ा सा, जिसको पता है बेसिक चीज़ के बारे में वो भी अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका थोड़ा सा फंक्शन अलग है, वो भी इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, जैसे वन लिखना है मुझे, तो टाइप करने के लिए क्या करना होगा, इस मोबाइल पर जहाँ मैंने ये क्लिक कर रखा है इस पर डबल क्लिक करना है, कुछ भी टाइप अगर आपको करना है तो आपका कीपैड आ जाएगा, डबल क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया कीपैड नीचे आ गया, अब मुझे इसमें टाइप करना है वन, एंटर करना है, नीचे एंटर दिख रहा है एरो पर, एंटर, अब टाइप करना टू। अब जैसे कि आपको एक सीरियल नंबर खींचना है वन से लेकर 100 तक या वन से लेकर 10 तक, अब इसको मैं इस पॉइंट पर क्लिक करके इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ये जो नीचे वाला पॉइंट है कॉर्नर पर, इसको मैं पकड़ के खींचूँगा नीचे तो सेलेक्ट हो जाएगा ये। अब इसमें देखो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आप ऊपर देख रहे हैं कि क्या करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इसमें भी बहुत सारे ये ऑप्शन दिखा रहा पेस्ट के, तो फिर कमेंट करना है, क्लियर करना है, और एक आप देख रहे होंगे फिल। ये दोस्तों फिल क्या है, जैसे कि हम कंप्यूटर में कॉर्नर पर रखकर खींचते हैं, ड्रैग करते हैं, तो उसमें क्या है, वन से लेकर 10 या 100 या 1000 जितना भी आपको सीरीज बनानी है वो 1 2 3 4 5 6 अपने आप ऑटोमेटिकली बनती चली जाती है, ऐसे ही इसमें है। आप फिल पर क्लिक कीजिए, जैसे फिल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये इसका आपको शो होगा। तो अब इस स्क्वायर बॉक्स पर क्लिक कीजिए नीचे वाले पर और इसको ड्रैग करते चले जाइए, ये आप देख रहे हैं ये ड्रैग होता हुआ जा रहा है, 20 तक मैंने ये ड्रैग कर लिया। थोड़ा थोड़ा फंक्शन अलग है, वो समझने की बात है, इसमें आप बने रहिए पूरा वीडियो के साथ में। अब
यहाँ पर ये ड्रैग करना आ गया, जैसे कि चलते हैं और 2 4, मतलब मुझे ये डिफरेंस से ड्रैग करना है कि इतने 2 4, मतलब 2 का टेबल आ जाए। तो इसको मैं इस तरह से फिर करूँगा। आप एक बार फिर देखिए, ये फिल पर क्लिक करना है मुझे। फिल पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इस तरह का बॉक्स बन जाएंगे। अब इसको मैं पकड़ के खींच दूँगा इसको। ये देखिए, 2 का टेबल कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि हमें कुछ ढूंढना होता है या फाइंड करना होता है या उसको रिप्लेस करना होता है, मतलब चेंज करना होता है कोई वर्ड, तो उसके बारे में हम कैसे उसको कर पाएंगे, रिप्लेस कैसे कर पाएंगे, फाइंड कैसे कर पाएंगे। अब जैसे कि मैं नीचे कहीं भी सीट पर हूँ, काफ़ी बड़ी हमारी सीट है और आपको इसमें कुछ ढूंढना है, तो यहाँ पर हूँ मैं। तो ढूंढने के लिए आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है ये बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखिए, अब इसमें फाइंड कैसे काम करेगा, इस पर मुझे क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कर्सर ऊपर आ गया, अब मुझे ढूंढना है इसमें कलर। तो यहाँ पर कलर लिखिए और इस लेंस पर क्लिक कर दीजिए, ये आ गया, कर्सर वहीं पर आ जाएगा कलर्स के ऊपर। अब मुझे कुछ, मैं अलग पहुंच गया। अब आप देखिए, मुझे कुछ इसमें से चेंज करना है वर्ड। चेंज करने के लिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये आइटम 2 बार हो गया, बुक्स 2 बार हो गई, कीबोर्ड 2 बार टाइप कर दिया मैंने। अब मुझे इसमें से कुछ रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस के लिए आप देखेंगे नीचे तो फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस का कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। आपको इस पर ही क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है बराबर में कॉर्नर पर, सेटिंग का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे, आप नीचे देखेंगे 2 3 ऑप्शन खुल गए हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। फाइंड एंड रिप्लेस से मतलब है कि उस वर्ड को ढूंढेगा, उसी को चेंज कर देगा, और रिप्लेस ऑल का मतलब है जितने भी वर्ड हैं उससे रिलेटेड सारों को वो चेंज कर देगा। जैसे कि मैं सबको चेंज करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ कलर है वहाँ वहाँ रेड कलर हो जाए, मतलब कि मुझे रेड और ऐड करना है उसमें, जहाँ जहाँ कलर है वहाँ रेड कलर हो जाए। आपको लेंस पर क्लिक करना है और उसके बाद में ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑल पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर चेंज कर देगा, रेड कलर कर दिया इसने, कलर की जगह रेड कलर कर दिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं इसको फिल कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने, ये इसमें मैंने कुछ वैल्यू डाल ली। अब आपको बताता हूँ सम करना, कि इसमें सम कैसे करेंगे। तो सम के जैसे हम एक्सेल में करते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू ये प्लस ये, एंटर, नीचे आप एंटर देख रहे हैं, क्लिक कर दीजिए, ये सम हो जाएगा। नॉर्मली मैनुअल भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटो सम की, ऑटो सम कैसे करेंगे। उसके लिए आप नीचे देख रहे हैं राइट हैंड की तरफ ये छोटी सी एरो बनी है कीपैड के ऊपर, इस पर क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑटो सम, इस पर क्लिक कीजिए। सम बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं, आप सम पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सम पर क्लिक करेंगे तो ये रेंज बनकर आ जाएगी। अगर रेंज ऊपर नीचे आ रही है तो उसको ड्रैग कर लीजिए, इस तरह से आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। और फिर आप ऊपर देख रहे हैं क्रॉस,
एंड राइट का बटन बना हुआ है, मतलब कि आप इस पर राइट पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे ऑप्शन इधर उधर ही आपके सामने आ जाएंगे बनकर अपने आप ही। ये देखिए ये सम इसका मेरा हो गया। मैनुअल मैंने बता चुका हूँ, मैनुअल में आप मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड जो भी करना है इस तरह से मैनुअल में आप कर सकते हैं। और ऑटो सम में जाएंगे, एवरेज निकालना है किसी चीज़ का तो आप यहाँ पर एवरेज पर क्लिक कीजिए और ये रेंज इसने ले ली ऑटोमेटिक। अगर नहीं लेता तो आप इसको रेंज सेलेक्ट कर लीजिए मैनुअली और इस पर राइट क्लिक पर क्लिक कर दीजिए, जो ऊपर दिख रहा है ग्रीन कलर का राइट क्लिक क्लिक कर दीजिए। ये अब इसका पूरे का एवरेज आ गया। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनको यूज करके देखना। और मैं आपको बारी बारी से बताता रहूँगा इसके बारे में, पूरा ट्यूटोरियल इसका चलेगा। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि, और बेल वाले बटन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बड़ी आसानी से ये एक्सेल में काम कर पाएँ। इसके बहुत हिडन फीचर हैं, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। ये आज बेसिक थोड़ा सा बताया इसके बारे में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।